एक तरफ तो पीटीआई जो है वो ये कहते हैं कि हम एक सियासी जमात है, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं, हमारा भी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। और आपने पीटीआई का जितना सोशल मीडिया जितने बयानात वो हैं वो आप सारे वो यही हैं कि हम जो हैं अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अवाम की जमात हैं। और दूसरी तरफ जो है पीटीआई अपना जो जैसा कि मेरे भाई ने कहा है कि सेंट्रल फोकस ही और सेंट्रल पावर ही वो अभी भी फौज को मार रहे हैं और वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने में हिचकिचाट कर रहे हैं। जब आपको ने सब याद होगा कि जब 2018 में इन्हीं हालात में और जो नून लीग थी वो विक्टिमाइज हुई थी और यही जो ये कह रहे हैं कि पावर सेंट्रल पावर सबको पता था कि कौन है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ असम्बली ये कहा था कि हम चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमिक गवर्नमेंट के साथ करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म को उन्होंने ऑफर किया था एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने अपने आप को कि का पेश किया था पोजीशन ने कि हम आपके साथ बैठने को, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम फौज के साथ बैठने को तैयार हैं। तफजात हमारे भी होंगे, उस वक्त हमारे भी मामलात थे, हमारे मेरे आपको पता है मेरी वाली सीट भी ऐसी छीनी गई थी और मैं 3 साल अपना सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के आया हूँ